भारत सरकार ने लोकसभा में इंस्टेंट तलाक यानी कि तलाक के मुद्दे को क्राइम ऑफेंस बनाने वाला बिल पेश किया है। इस बिल में एक ही समय में तीन तलाक देने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। तलाक की बिद्दत यानी 3 तलाक पर लोकसभा में बिल जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बिल पास भी हो जाएगा। सारी कौम सदमे में है। इससे पहले कि हालात और बिगड़ न जाएं, हम शरिया बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी करना चाहते हैं, जिसमें ये कहा जाएगा कि शरिया बोर्ड तलाक की बिद्दत यानी 3 तलाक को शरीयत का हिस्सा मानता है। लोगों से सब्र और अमन अमान की अपील की जाएगी। अगर आप में से किसी को भी कोई एतराज हो तो बताइए। हमें एतराज है काजी साहब। फिर से आने के लिए आप सबसे माफी मांगते हैं, मगर हम चाहते हैं कि शरिया बोर्ड लोगों से अपील करे कि वो सड़कों पे उतर के इस बिल के खिलाफ आवाज उठाए। शरीयत में बदलाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शरीयत में बदलाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शहबाज अहमद साहब, आम लोग गुस्से में भरे बैठे हैं। हमारा एक गलत कदम दंगे भड़का सकता है, आग लगा सकता है, जानो माल को नुकसान पहुंचा सकता है। आप समझते क्यों नहीं है काजी साहब, आवाज उठाने का वक्त आ गया है। आज इन लोगों ने तलाक पे बिल निकाला है, कल निकाह पे निकालेंगे। कहां जाएगा आम मुसलमान? हम फैसला ले चुके। फिर ठीक है, हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर वोट हो। बोर्ड आपके सामने है, बिस्मिल्लाह कीजिए। जो मेंबर हमारे साथ है और चाहता है कि लोग इस बिल के खिलाफ आवाज उठाएं, वो अपना हाथ ऊपर कीजिए। फैसला आपके सामने है शहबाज अहमद। फोन नहीं उठा रहे, कहाँ रह गया? मोतीचूर के लड्डू यार, यही कोई 500 रसगुल्ले भी खरीदने थी सारा सिद्दीकी। ट्रेन का क्या है, ट्रेन तो आती जाती रहती है ना। आराम से 5 साल बाद यूनिवर्सिटी से घर जा रहे हैं, कुछ तो ले जाना चाहिए ना। और ये गोंद के लड्डू और गुड़ की गजक ना, अम्मा को बहुत पसंद है। और मठरी, वो तो अब्बा की फेवरेट है। तुझे नहीं पता ये छोटी छोटी चीजें कितनी खुशियाँ देती हैं? हाँ, लेकिन तेरी इन छोटी छोटी चीजों के चक्कर में हमारी वहाँ बड़ी सी ट्रेन निकल जाएगी। ऊपर से हमारी सहेलियाँ अलग गाली देगी। अच्छा अच्छा, बस कोई ट्रेन व्रेन नहीं छूटती, अब जल्दी कर चल। बुरखा आज किस खुशी में? तू तो हमेशा चद्दर ओढ़ती है ना। ये बुरखा ही ना हमारी अम्मा के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हमें ऐसे देखेंगी ना बहुत खुश होंगी। भैया स्टेशन चलिए। शरीयत में बदलाव नहीं चलेगा।
आराम से। हेलो, हाँ हम लोग रास्ते में ही हैं। क्या क्या हुआ? ट्रेन चलेगी तो फोन दे। हेलो। हेलो मैडम जी, हम ज़ारा बोल रहे हैं। हमारी ट्रेन मिस हो गई और हम यहाँ मार्केट में फंसे हैं। क्या हॉस्टल वापस आ जाए? नहीं बेटा, यहाँ कर्फ्यू लग गया है। थोड़ी देर में पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाएगा। ट्रेन, बस, ट्रक, जो भी मिले तुम लोग निकल जाओ। जी, क्या करें? तू घबरा मत, हमें बस स्टॉप का रास्ता पता है, हम वहाँ चलते। चल चल चल। ट्रक में जाना सेफ है ना? ट्रेन नहीं मिली, बस नहीं मिली, इसके अलावा ऑप्शन ही क्या था हमारे पास? रास्ता बदलो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कभी वापस ना। मैडम, हमने आपको बिठा तो लिया है, लेकिन रास्ते में जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। हम कहीं फंस गए तो आपको अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। काश हमारी ट्रेन मिस नहीं हुई होती। भाई जरा आगे देख के जाना, आगे बहुत बड़ा जुलूस निकला है। मैडम, सामान के पीछे छुप जाओ, जहां तक जा सकते हैं जाएंगे हम लोग। जी, था पीछे। जुलूस में सब मुस्लिम होंगे ना, लेकिन मैं तो हिंदू हूँ। तू चिंता मत कर। आप घबराओ मत, आराम से बैठो। जैसे आगे गाड़ी निकलेगी हम भी निकल जाएंगे। रीमा, तो घबरा मत, अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे। We'll be right back.
हिदायत नहीं देते। बेटा, ये हिंदू मुस्लिम का फसाद नहीं है, हम लोग तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग घबराओ मत, हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। जी। आप सभी का शुक्रिया। वो असल में हमारी ट्रेन छूट गई और हमने इस ट्रक में लिफ्ट ली और दंगों में फंस गए। घबराइए मत, हम आपकी सवारी का इंतजाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अरे यार, अरे अरे यार, ये तो धोखा है, भजन बजा और धोखा दे रही है, ये तो धोखा है। तो बुर्का पहनकर धोखा दे रही है। रीमा भाग। जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सिर्फ हमारा फर्ज है। अब वैसे ये हमारी दोस्त है, ज़ारा सिद्दीकी। इसने इस्लामिक स्टडीज में बीए किया है। ज़ारा सिद्दीकी?
और आपकी तारीफ? मैं रीमा सिंह हूँ और मैंने हिंदी में बीए किया है और मैं जारा की रूममेट हूँ। वैसे हमारा नाम कबीर अहमद है, पर हम आप दोनों से पूछना चाहते हैं, आप दोनों ये हाईवे पे क्या कर रहे थे? इसके चक्कर में हमारी ट्रेन छूट गई। ट्रेन? जी, हम वीकली एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहे थे। वीकली एक्सप्रेस? जी। कुछ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, वीकली एक्सप्रेस सितावा स्टेशन पे रुकी हुई है, आप दोनों वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। जी। आपको पता भी है मिलाद क्या होता है? ना, हम लखनऊ के शहरे काजी थोड़े ही हैं, हमें क्या मालूम कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हम्द और नात गाने को मिलाद कहते हैं। देखिए, होंगे आप मर्दों के काजी, पर मानते हैं ना, औरतों के काजियानी हम हैं। आज हमने मिलाद में ना लखनऊ के सारे बेगमात को यहाँ पे बुलाया है, उन्हें ये दिखाने के लिए कि हमारी जारा उनकी मॉडर्न बेटियों से लाखों ना बेहतर है। हमने जारा को यहाँ से लखनऊ की तहजीब सिखा के भेजा था अलीगढ़, और आज पूरे 5 साल बाद जारा लखनऊ की तहजीब के साथ साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीब भी साथ लेके आ रही है, मानते हैं ना? क्या पता इस मिलाद में किसी बड़े घराने की बेगम को हमारी जारा पसंद आ जाए। जल्दी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई और हमें ट्रेन तक भी पहुंचाया। अल्लाह हाफिज़। वो ट्रेन हमारी भी थी जी, लखनऊ हम भी जा रहे थे और हमारी भी ट्रेन छूट गई थी। ओ, अरे जारा आ गई। हाँ आइए, आपके बाद। ठीक हो सारा तुम? माफ करना अल्लाह पाक। अरे मेरा अल्लाह और मेरा ईश्वर दोनों हमसे खुश है रे पागल। मैं तू ये बता कि इतने बड़े खतरे से हम बच पाते क्या, वो भी इतने डैशिंग हीरो के हाथों। मगर तुम दोनों थी कहाँ और तुमने ट्रेन कैसे पकड़ी? अच्छा अच्छा, हम जानते हैं कि आप सब लोग हमारे और रीमा के लिए बहुत परेशान थे, तो ट्रेन मिस होने के बाद हमने ट्रक में लिफ्ट ली और उसके बाद दंगों में फंस गए हाईवे पर। मगर अल्लाह के बंदे ने हमें बचाया और आप सब तक पहुंचाया। कबीर अहमद। पता नहीं बाहर हालात कैसे हैं, अभी अभी न्यूज़ ऐप पे देखा था, वही जलसे और जुलूस। सब चाय। चाय क्यों, हमने तो चाय नहीं मंगवाई थी। साहब वो मैडम ने आपके लिए भिजवाई है। दादा बन, बन। लोग ना, तुम लोग सुधरेंगे नहीं। रफ्ता रफ्ता वो तेरी हस्ती का समा हो गया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जहां हो गए। यार यार, तुम हमेशा शायरी में क्यों बात करते हो? जहां रोमांस होता है ना, वहां शायरी अपने आप आ जाती है, बिल्कुल लैला मजनू की तरह। पर एक सेकंड, यहां कौन सा रोमांस चल रहा है? नहीं पता तुम? नहीं मियां, उसके फ्रेंड का मुझसे आके तुम्हारे बारे में पूछना, और अब ये मीठी मीठी चाय, अब ये इश्क प्यार मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है? नहीं बताइए क्या है, क्या है मौलवी साहब बताइए? बेखैरत हो सब के सब, कुछ भी बोले जा रहे हो। शर्मा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। कुछ मत बोलो ऐसा, शर्मा रहा नहीं हूँ मैं। घबरा मत, तेरे नाम से चाय मैंने भिजवाई है। हेलो
अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए, तुझे ये सब सोच रहा है कि जिंदगी है मेरी जान, ना किसी के सामने रुकती है ना किसी के आगे झुकती है। अब सुन, नाम कबीर अहमद, शहर लखनऊ, और अभी अभी मदरसे से 5 साल का मौलवी कोर्स कंप्लीट करके अब वापस लौट रहा है। मौलवी? हाँ यार, मैंने भी आज ही जाना है कि तुम्हारे यहाँ के मौलवी भी इतने सुंदर हो सकते हैं। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप प्राची ठाकुर से इस घंटे के समाचार सुनिए। सबसे पहली बात तनाव की। ओए रोन डॉट कॉम न्यूज़ चला। आज भारत सरकार ने लोकसभा में इंस्टेंट तलाक यानी कि तलाक के मुद्दे को क्राइम ऑफेंस बनाने वाला बिल पास किया है। इस बिल में एक ही समय में 3 तलाक देने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। चाय वाला, चलो भाई, हटो हटो हटो, जगह दो, चलो चलो। आराम से। यहाँ बैठे सभी लड़कों को हम लड़कियों की तरफ से फ्री में चाय पिलाओ। आज हम औरतों की जीत का दिन है। माफ करिए मोहतरमा, मगर औरतों की जीत का दिन है से क्या मतलब है आपका? क्या कोई जंग चल रही थी हम मर्दों एंड आप औरतों के बीच, जो आप जीत गई और हम मर्द हार गए? जंग तो है जनाब, और सैकड़ों साल पुरानी जंग है, इसलिए आप मर्दों का समाज आज तक ये तस्लीम नहीं कर पा रहा कि खुदा ने औरत और मर्द दोनों को बराबर बनाकर पैदा किया है। और इसलिए जब कोई बीवी अपने शौहर के बराबर होने का दावा करती है तो उसको 3 तलाक देकर उसके औकात बता दी जाती है। तलाक मर्दों के लिए भी खुशी की चीज नहीं होती मोहतरमा? जब कभी एक तलाक होती है तो एक घर टूटता है, और घर जितना आप औरतों का होता है उतना ही हम मर्दों का होता है। मगर जो घर 3 तलाक से टूटता है वो घर सिर्फ औरत का होता है। देखिए, हम मानते जो हमारा समाज है वो मर्दों का समाज है, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी बीवियों के साथ जुल्म किया हो, मगर वो लोगों की बुराइयां हैं, कानून की नहीं। बिल्कुल सही बात है। पिछले 1400 सालों से 3 तलाक हमारे शरिया और हमारे समाज का हिस्सा रही है, इसे बदला नहीं जा सकता। और वैसे भी जो रिश्ता 3 बार कबूल है कहकर बन सकता है, वही रिश्ता 3 बार तलाक 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 कहकर टूट क्यों नहीं सकता? एक्सक्यूज मी, आपके कबूल है में एक कबूल है हमारा भी लगता है मौलवी साहब, वरना चिल्लाते रहिए सैकड़ों बार, ना निकाह होगा ना शादी। इस बात पे तो तालियां बनती हैं। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते हैं? हमें लगता है इस्लाम के बारे में आपकी जानकारी कम है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 3 तलाक पे आपका नजरिया गलत है। हमें लगता है अगर आप मजहबी स्कॉलर्स को पढ़ेंगी शायद आप समझ पाएंगे।
आप भी तो मौलवी हैं जी। आप बताइए, क्या कुरान और हदीस में कहीं पर भी ट्रिपल तलाक यानी कि तीन तलाक का जिक्र है? जी नहीं। मगर आप तो फिर दुनिया का कोई भी मौलवी या स्कॉलर ज़ारा सिद्दीकी से उस बात को इस्लाम नहीं मनवा सकता जो कुरान और हदीस में नहीं है। खुदा ना करे अगर कभी आपको तलाक का रास्ता चुनना पड़ा तो आप कौन सा तलाक चुनेंगे? तीन तलाक, तीन तलाक। हमें आज तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी।